मुझे लगता है कि महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड यानी कि सम्मान हर एक व्यक्ति के लिए जो महाराष्ट्र में रहते हैं, और मैं मानती हूँ कि इससे प्रोत्साहित होते हैं इंडिविजुअल्स। आते हुए दिन में फेमिना को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ, ईटी को भी, और यही कहना चाहती हूँ कि जो कला और जो क्षेत्र से लोग आते हैं महाराष्ट्र में, वो सही मायने में भारत की शान है। फेमिना हैज ऑलवेज डिस्कवर्ड न्यू टैलेंट एंड आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट देम फॉर इंकरेजिंग यंग टैलेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर इट बींग अ ब्रांड बेस्ड आउट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड रियली फेलिसिटेट्स ऑल दोज हुज ड्रीम्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड एंड दोज हु नीड टू स्ट्राइव फर्दर। ये साल अच्छा था, इंशाल्लाह अगला साल भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। Well, I'm always excited to be here, being associated with Femina, being associated with Filmfare, so it's always fun to be here. And I'm looking forward to tonight's evening. Okay, so what are you expecting tonight? I'm told that I'm presenting an award, and I would also want to find out what happens tonight. Oh, who doesn't like to be, you know, appreciated? And I think it's just it adds to your fuel when you get an award, just to work more, you know, harder, better. So yeah, awards are nice. Well, one word can make a difference, so make a difference. Do make a difference. क्या गिर चुका है? मुझे नहीं पता है, सॉरी। क्या गिरा है? ब्रिज गिरा है। Well, honestly, बहुत ज़्यादा population भी है, there are a lot of things to handle, and I think things like these which can, you know, cause into casualties, they need to be taken seriously and they need to be addressed. सुनील सर, मैं बहुत खुश हूँ कि दो बड़े ब्रांड्स, इकोनॉमिक टाइम्स और फेमिना, ने मिलके महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड्स आज इनिशिएट किए हैं, और बहुत खुशी है कि जो अपने महाराष्ट्र में अचीवर्स है अलग अलग विविध क्षेत्रों में, उनको आज रिकग्नाइज किया जा रहा है, और दिस इज़ रियली हेल्पफुल कि वो फर्दर इंस्पायर हो और अच्छे काम करने के लिए, और लोग भी जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो भी इंस्पायर होंगे। आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन स्पीक अबाउट इट इन दिस प्लेटफॉर्म, बट यही कहूँगी कि आप काम देख के वोट कीजिए। सेंटर प्लीज, वेट वेट मैम, मैडम मैम इधर देखा ही नहीं। थैंक यू। कोई स्पेशल पूछने वाले हो? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कौन सी वाली बात? आज की शाम के बारे में, मैं इसको बहुत
खुशी से सपोर्ट करती हूँ क्योंकि दिस वन रिकग्नाइजेज द एफर्ट्स जो हम जैसे लोग पुट इन करते हैं. एंड इस दफ़ा तो मुझे और भी ग्रैंड लग रहा है. इट्स बिकमिंग बेटर एंड बेटर. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, फुली सपोर्टिव. सिर्फ देश, वर्ल्ड में नहीं, बहुत प्राउड हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाती नहीं हूँ. मैं तो सबसे कहूँगी कि सैटरडे संडे मंडे तीन दिन पड़ रहा बॉम्बे के लिए. आप सैटरडे संडे जो मर्जी करें, मंडे को हमें आपकी उंगली पे वो निशान चाहिए. हर किसी से मेरी ये विनती है कि आप ज़रूर जाएं वोट करें एंड एंजॉय दैट इफेक्ट. बहुत एक्साइटेड हूँ. यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और एक अचीवर्स अवार्ड मिलना इज ऑलवेज इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी प्रेपरेशन चालू है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है. बट डेफिनेटली जैसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज, दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजामौली सर के साथ काम करना है और वो पूरी हो गई. सो और पूरी हो रही है. सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली. और मेरे इट्स माय फर्स्ट टाइम वर्किंग यू नो इन द साउथ इंडस्ट्री. सो आई एम रियली एक्साइटेड. ओके आलिया, अगर बात कर रहे हैं हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो वहाँ तो आपने धूम मचा ही रखा है. अभी आपकी हाल ही में टीजर कलंक का टीजर लॉन्च हुआ है जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, साथ ही साथ धूमास्त्र के लिए भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं. तो क्या लगता है आपने अपने आप में एक बेंचमार्क सेट कर लिया है क्योंकि आप साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं? आई थिंक जब मैं कोई भी फिल्म करती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से काम करती हूँ. मैं अपने आप को भूल जाती हूँ. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने कौन सा बेंचमार्क किया है. कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो जो भी क्रिएट किया है मुझे पता नहीं है. मैं बस अभी इस फिल्म में जाके कुछ ऑनेस्ट और अच्छा क्रिएट करना चाहती हूँ. मैंने अभी एक्चुअली ट्वीट किया था कि जो द नेशंस वॉइस इज द नेशंस चॉइस. सो जो जो हमारा जो इलेक्शंस होता है वो हमारे जो एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और जो भी हमारे कंट्री में है उनके लिए होता है. इट्स फॉर द कंट्री. So I urge people to go out there and cast their vote and make a choice. Okay, done. Thank you. Lastly, happy birthday in advance. Thank you. कल आपका birthday है, so what's the planning? Anything you'd like to share with us? Just कि मैं बहुत सारा cake खाने वाली हूँ. Thank you. हाय, फर्स्टली साउथ इंडिया से मैं अपने आप को रिलोकेट इसी साल किया है. मैंने जनवरी एंड में मैं बॉम्बे आई हूँ एंड कईयों से पहले ही मेरी यू नो पहचान थी. एंड न्यूली आई एम मीटिंग मीडिया, आई एम मीटिंग फोटोग्राफर्स, आई एम अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस. वहाँ पे कुछ 40 फिल्मों में काम किया है और यहाँ पे बहुत नया नया माहौल है, बहुत ताज़ा लग रहा है सब कुछ. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू फर्स्ट इवेंट्स ऑफ माई लाइफ दैट आई एम अटेंडिंग इन बॉलीवुड. काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग इवेंट. एंड यहाँ पे बॉम्बे में मैं कुछ काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट सुन रही हूँ. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड दिस ईयर एंड मीट ऑल ऑफ यू मोर ऑफन. मैं मेरे डैडी के बाद अगर मेरे और कोई ड्रीम हीरो थे एज अ चाइल्ड, आई फेल इन लव विद शाहरुख खान आफ्टर आई वॉच बाजीगर. तो येस, आई थिंक ही विल ऑलवेज बी माई ड्रीम हीरो. बट आजकल के नौजवान जो बहुत काफ़ी नए जनरेशन आ गए हैं, जैसे राजकुमार राव, विकी कौशल,
and so many Karthik Aryan. I think I would love to work with these guys. They're a breeze of fresh energy, and I somewhere really feel like I connect with the new generation. Center. Malvika, look here, Malvika. Idhar. Malvika, yeah. This is the first time I'm at the Maharashtra Achievers Award, and it's I've read so much about it. I've seen so much about it. So it's great to be here. I can tell you more after I'm done with it. I can't speak about the projects yet. I did a film last with Rajnikant sir, which released recently, so you'll hear about it soon. Thank you. मैं थोड़ा मराठी में कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे बस की नहीं, क्योंकि मैं नाम का रानी हूँ. और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी हियर. माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम रत्नागिरी, एंड सारी मराठी जब कोई पुलिस में जब कोई कॉप पकड़ते हैं सिग्नल पे तभी निकलती है, दिल से निकलती है तब मराठी. लेकिन उसके अलावा मैं बड़ी काफ़ी अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट प्रैक्टिस द लैंग्वेज अ लॉट बिकॉज आई ग्रो अप इन ग्वालियर. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई एम वेरी हैप्पी दे इनवाइटेड मी. And कहीं ना कहीं मेरे फोर फादर्स देख रहे होंगे, they would also be proud. How much does it impact you seeing appreciation? I think appreciation is everything. Since जैसे जब से आप बच्चे थे तो आप कुछ भी अच्छा करते थे तो आपके पेरेंट्स आपको एक टॉफी या कुछ देते थे. स्कूल में दे यूज टू कॉल यू आउट एंड मेक यू स्टैंड. मुझे दूसरे रीजंस की वजह से स्टैंड कराया जाता था क्योंकि मैं होमवर्क नहीं करता था. लेकिन जो अच्छे घर में कुछ अच्छा करते हैं या स्कूल में कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हमेशा पुरस्कार दिया जाता है. तो आई थिंक अप्रिसिएशन इज़ एवरी थिंग, क्योंकि एक दिमाग के अंदर एक पार्ट होता है, रिवॉर्ड एरिया होता है वहाँ पे, जो जब वो क्लिक होता है तो वी फील वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी अकम्प्लिश्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सर थॉट प्रोसेस यही है कि कहीं ना कहीं जैसे आपको याद रह गया अगर वो, तो वही मेरी कोशिश है और इससे ज़्यादा मेरे बस में कुछ है नहीं. मेरी कोशिश ये है कि लोग जो भी देखें उनको याद रह जाए कुछ, उसमें से कोई एक चीज़ उनके दिमाग में, दिमाग को, दिल को टच करे. कोशिश यही है, अभी भी वही कोशिश है. इट्स अ लवली जर्नी वेयर वन हैज़ टू फाइंड हिज ओन फुटिंग, सो उसी में हम लोग सब लगे. आई थिंक घर पे कंप्लेंट हम लोग करते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके वोट करेंगे तो हमें ज़्यादा कंप्लेंट करने का हक है. बस मैं इतना ही कहूँगा, बाहर जाइए वोट करिए, उसके बाद अपनी राय आगे रखिए. वेट मंगेश झाला का मंगेश मैम सेंटर एकदम सामने नीचे टिकवे ऊपर सेंटर में थैंक यू सर. नाम सजेस्ट कर रहा है महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड, अच्छा लगता है. जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ से आपको ऑनर मिले और तारीफ मिले तो अच्छा लगता है. तो बहुत खुशी की बात है और बहुत आनंद की बात है मेरे लिए. देखिए पहले भी मेहनत करता था, अब भी मेहनत ही करूँगा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दूँगा.
अच्छी फिल्मों में का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है और लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मेहनत करता रहूँगा आगे ऊपर वाले पे। ओके विकी सर, आल्सो कांग्रेचुलेशन, पूरी 20 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और 300 करोड़ करने ही वाले हैं, और एक ट्रेंड सेट कर दिया आपने, लोगों में हाय हेलो नहीं होता और अभी से हाउ द जोश ही पूछा जाता है, सो हाउ प्राउड यू फील यू सेट द ट्रेंड मार्क। ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये मेरे भाई भी आजकल हाउ इज द जोशी पूछते हैं मुझसे तो अच्छा लगता है जब भी कोई आपके किरदार का नाम या कोई आपके डायलॉग इतना रेजोनेट कर जाए तो हमेशा अच्छा लगता है, पर रियल उसके जो विजेता होते हैं वो तो राइटर होते हैं जिन्होंने सोच के लिखा होता है, तो आदित्य धर को मैं श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने हाउ इज द जोश पैदा किया, तो थैंक यू, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं, पहले भी कहानी देखता था, अब भी कहानी देखता हूँ, तो बस वही है, थॉट प्रोसेस कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं सबको बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा, इलेक्शन आ रहे हैं, जाकर वोट कीजिए प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। ऊपर ऊपर देखिए रिया जी, नीचे भी रिया जी ऊपर, अभी रिया मैं आयो, रिया जी आप सामने एकदम पीछे हो जाना है, हो गया रिया जी ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर देखिए मैम, थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर फील्ड के लोगों को जो उनको मिलना चाहिए वो मिलता है, आई थिंक रिकॉग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमको आधे टाइम पता भी नहीं चलता क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा कोई और चीज़ में लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है, तो मेरे लिए भी बहुत एजुकेशनल होती हैं ये चीज़ें, एंड आई फील रियली प्राउड कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं जो इतनी अमेजिंग चीज़ें करते हैं, तो सारे विनर्स को कंग्रेचुलेशन। फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वोट कीजिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंट्री हमारे हाथों में है और हम यंग लोग वोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थैंक यू। उद्धू कौन है? राजकुमार रुक के अपने। यस ना भी अरे यहाँ पे नीचे राजा। सामने एकदम सेंटर। कौन सी पिक्चर में गुड्डू नाम है मेरा? तू किधर निकाल? छुपे देखते हैं। अच्छा। आपका लेफ्ट 19। क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बाद? आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड है मेरा पहला, आई थिंक महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड है ये मेरे करियर का, so of course it's a great feeling to be here at this evening. Okay, although aapko bahut sare appreciation milte aaye hain, lekin aapke liye kya maine rakhta hai award? Mere liye awards bhi maine rakhta hai, rewards bhi maine rakhta hai. I think audience ka pyar bahut zaruri hai aur uske baad jab log aapki mehnat ko recognize kare hain and they you know recognize it with some awards, I think that's also again is very important to me. बहुत जल्दी हम लोग एक अपनी रिलीज डेट अनाउंस करने वाले हैं, तो यस। तो कंगना के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन दिस कंट्री और हमने पहले साथ में क्वीन की है और मेंटल क्या भी अभी हमने साथ में किया, तो हमेशा इट्स ऑलवेज गुड फन टू वर्क विद हिम। आपके अलावा रणवीर सिंह हैं, कार्तिक आर्यन हैं, विक्की कौशल, सबने अच्छा परफॉर्म किया है, सबने अपनी सबके अंदर है यार, मतलब हु एम आई टू से कि किसके अंदर है या नहीं है, आई थिंक सबके अंदर है, आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा काम और इंडस्ट्री में कि इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिल रही है एंड इट इंस्पायर्स मी अ लॉट, जब मैं कोई अच्छा काम देखता हूँ स्क्रीन पे तो मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिलती है। ओके राजकुमार, आल्सो 2019 इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बीइंग एन इंडियन क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन चाहिए कि इलेक्शन आ रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वोट, सो आई वांट टू जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी आउट देयर to please go out and cast your vote because it's the most important power that we have in a democracy. Thank you.
जी शुक्रिया. फर्स्ट ऑफ ऑल अवार्ड्स के लिए तो ऑब्वियसली इट फील्स ग्रेट वेन एवर ऐसे अवार्ड मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है समाज में, और इट डेफिनेटली इंस्पायर करता है हर स्पोर्ट्समैन के लिए. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड फॉर मी इन माई पर्सनल लाइफ. जी मैं कहना चाहूँगा कि खाली घर बैठ के देखिए मत, बाहर आइए, वोट कीजिए, और ये हमारा हक है और इस पर ज़रूर इसका यूज़ कीजिए. प्लीज़ गो एंड वोट. थैंक यू. अरे एक बार